गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे 16 अगस्त की मेजर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हाइलाइट्स को लेकर। ये वीडियो की मैं लेंथ कोशिश करता हूँ कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको समझा सकूँ पूरी न्यूज़। और ये जो आपका ब्लॉग है ये ऑलरेडी आउट है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप अगर एक बार जाएंगे तो इस बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ब्लॉग को, क्योंकि डेली बेसिस पे पोस्ट यहीं पर आएंगे और कुछ और एडिशनल कॉन्टेंट भी आएगा इसके ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक थंबनेल है पहले, तो फिर बाद में आपकी मेन न्यूज यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको पूरा विजिबल होगा प्रॉपरली, नहीं तो आप इसको साइड में खोल के भी देख सकते हैं वीडियो को। डीओटी इनिशिएट्स प्रोसेस टू ऑक्शन मोर 5G स्पेक्ट्रम। सबसे पहले डीओटी क्या है? डीओटी आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ये आपका जो भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करता है उसका गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेट करती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। बेसिकली गवर्नमेंट को अगर कोई भी स्टेप लेना होगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो ये डिपार्टमेंट लेता है डीओटी। इसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। ये मैंने जो ब्रैकेट में होता है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया होता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है हेडलाइन के अंदर भी हो तब भी। अब इसके बाद रिसेंटली क्लोज्ड 1.5 लाख करोड़ वर्थ 5G ऑप्शंस। तो मैं बताऊं टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो जो आपके वो राइट्स होते हैं, जैसे जो आपके पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स और सिग्नल वाले पोल्स, उनके राइट्स वैसे तो गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो वो गवर्नमेंट सेल कर दिया ऑक्शन के थ्रू कंपनीज को। और मेजरली कंपनीज हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और भी कुछ कंपनीज, छोटी कंपनीज, तो उन सबको वो सेल करती है ऑप्शंस के थ्रू। और वो कंपनीज, वो गवर्नमेंट का प्रोसीड्स भी होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी होता है काफ़ी बड़ा वहाँ से। रिसेंटली ऐसी गवर्नमेंट ने 5G जो आपके नए स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं आप उनके 1.5 लाख करोड़ रुपए के ये स्पेक्ट्रम सेल किए थे। अब ये वापस से नया ऑफर लेके आए हैं जिसके अंदर 35,000 करोड़ का और स्पेक्ट्रम ये सेल कर रहे होंगे। अब यहाँ पर दो स्पेक्ट्रम की बात की गई है जो ये सेल कर रहे होंगे, जिनका आपका जो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे, ये बेसिकली ये काफ़ी टेक्निकल टर्म है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है तो इसका कोई डिटेल में काम नहीं है। 5500 MHz का आपका ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं टेलीकॉम की। अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपका जो बेसिक सिम वाला नेटवर्क होता है जिसके अंदर आपका डेटा आता है और आपका कॉलिंग का आता है, वो टेलीकॉम 5G रहेगा। और इसके अलावा IMT मतलब इंटरनेशनल, अगर आपको कॉल्स करनी होती है इंटरनेशनल टेलीकॉम के अंदर जो सिग्नल्स रहता है वो भी इसके अंदर होंगे। तो दोनों अलग अलग तरीके के ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो इस पूरे 35,000 करोड़ की वर्थ की फिगर के अंदर आते हैं। अब इसका डिवीजन वगैरह नहीं बताया तो वो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। कंज्यूमर कंपनीज चीफ्स, चीफ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEOs वगैरह जो कंपनीज के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है मार्केट को लेकर। वो जैसा बोलते हैं मार्केट के बारे में जनरली वैसा हो रहा होता है। या अगर आप ऐसे कहें कि 10 CEO को अगर आप पोल कराते हैं बिगेस्ट कंपनीज का, तो जैसा वो आपका पोल में रिजल्ट आएगा जनरली वैसा ही हो रहा होता है इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा ही एक पोल कराया गया इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। उन्होंने एक फेस्टिवल डिमांड, जो अब आपका पूरा फेस्टिवल का सीजन चलने वाला है, दिवाली का पूरा सीजन और ये सब, तो उसके बेसिस पे मतलब उसके लिए क्या प्रिडिक्शंस है उनकी, क्या उन्होंने स्टॉक लेवल बढ़ाया है अपना, क्या वो तो देखते हैं कि कम डिमांड रहेगी ज़्यादा डिमांड रहेगी, उसके लिए उन्होंने पोल कराया। तो वहाँ पर वो मतलब बेट बिग का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव है उसको लेकर, काफ़ी बड़ी डिमांड आने की उसको उनको एक्सपेक्टेशन है। अब ऐसा क्यों है? जिन लोगों ने हाँ बोला उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स बताए, जैसे कि गुड मॉनसून, ह्यूज स्टॉक बाय होलसेलर्स, मतलब कि होलसेलर ने ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी खरीद के रख लिया है, काफ़ी सारी चीज़ों का फास्टर FMCG मूवमेंट, मतलब क्लियरेंस जो होता है, ITR एक रेशो होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कि कितना जल्दी जल्दी सेल हो रहा है। ITR रेशो का मतलब होता है कि एक साल के अंदर आप कितनी बार अपनी इस रॉ मटेरियल खरीदने की से लेकर सेल करने की प्रोसेस जो होती है, पूरी एक प्रोसेस, पूरी एक साइकिल, उसको आप दोहरा पा रहे हैं। तो अगर जैसे ITR 5 है, इसका मतलब आप 5 बार नया प्रोडक्ट ला के, रॉ मटेरियल ला के उसको बना के सेल कर पा रहे हैं। तो ये जितनी ज़्यादा होती है उतना FMCG मूवमेंट ज़्यादा होता है, और FMCG सेक्टर के अंदर ITR रेशो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वीक सेल्स, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि ऑलरेडी इंडिपेंडेंस वीक से जिसके अंदर आपका राखी का वो भी आ जाता है, उसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट में NSE ट्रैक्स इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स कंप्लायंस। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप जो स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब हुआ अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आकाश हॉस्पिटल्स जो है, आकाश हॉस्पिटल्स ने अपना कोई जो केमिस्ट का, मतलब जो उनका पूरा फार्मेसी का बिजनेस है, इसका मान लेते हैं कि आपको पता चल गया क्योंकि आप आकाश में भी काम करते हैं, या आकाश की मान लेते हैं कि आप आकाश के चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेते हैं, तो वहां पे आपको पता चल गया कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉर एग्जांपल फार्मेसी नाम की कंपनी है उसको आप देने वाले हैं, तो फिर आपने क्या किया, आपने फार्मेसी के स्टॉक्स खरीद लिए, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हुआ क्योंकि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं था, और इसके बेसिस पे ट्रेडिंग करना इलीगल है, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर NSE ने क्या किया, NSE ने कंप्लायंस फॉर्म निकाला था
जिसका अगस्त 9 तक सारी पब्लिक कंपनीज को, या कह लो कि कुछ लिस्टेड कंपनीज को, ये आपको फॉर्म फिल करके देना था। बट अब हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ कंपनीज ने नहीं दिया, तो उनके लिए जो एनएससी है उन्होंने अपना रूल्स को, कंप्लायंस जिसने दिया है जिसने नहीं दिया उसको ट्रैक करना चालू कर दिया। ट्रैक करने का मतलब है कि जिसने नहीं दिया उसको एनएससी अब नोटिस इशू करेगा और पेनल्टी भी लगा सकता है अगर ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट में यूज BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड्स टू पुश पेंशन स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर BOCW का मतलब होता है जो आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। क्या होता है कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट जनरली अगर ऐसे कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है तो एक सेस लगाती है, तो ये BOCW एक नाम का सेस है। सेस मतलब एक एडिशनल टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। जैसे आपका पूरा टैक्स लाइबिलिटी बना 10,000 रुपीज़ का, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लेगी आपसे सेस नाम से। सेस आपके एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी होता है और BOCW के लिए भी होता है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो इसको जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो वहाँ के टैक्स से आता है, टैक्स रेवेन्यू से आता है। तो ये जो आपका सेस लगता है इसको गवर्नमेंट और यूज़ कर सकती है एक पेंशन स्कीम नई निकालने के लिए, जिसका नाम होगा आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम। इसमें होगा क्या कि ये वॉलंटरी पेंशन प्रोग्राम है, एक कंपलसरी नहीं है, मतलब हर कंस्ट्रक्शन वर्कर का, हर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं, आप अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, तो आप इस स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, तब आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड होने लग जाएगा। और इसके अंदर काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं इनकम के, आप कितने डेज तक एम्प्लॉयड रहते हैं अनऑर्गेनाइज होते हुए, वो सब चीज़ के क्राइटेरिया हैं। अब यहाँ पर एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसके इस स्कीम में आगे काम आ सकती है आपको, कि ये जो सेस है जहाँ से इसका इस स्कीम का बेसिकली रेवेन्यू आ रहा है, सोर्स आ रहा है, वो सेस जो है वो दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर मैनेज करती हैं। होता क्या है, कुछ टैक्सेस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे GST सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है, और जो भी स्टेट का हिस्सा बनता है वो उनको दे देते हैं, जो कि अब GST के केस में तो जून से देंगे भी नहीं, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। और कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो जनरली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, जैसे आपका लिकर के ऊपर, मतलब लिकर वाइन के ऊपर जो आपका एक्साइज ड्यूटी होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो इस तरीके से मैनेज करने का मतलब होता है बेसिकली कलेक्ट करना, तो वो चीज़ वो करते हैं। तो वो बेसिकली ये जो सेस है ये दोनों मिलके मैनेज करेंगे, तो इसलिए इसके जो भी स्कीम है इसको लाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, दोनों से क्लियरेंस लेना पड़ेगा जो आपका लेबर मिनिस्ट्री है उनको। आगे चले तो चाइना कट रेट एज जुलाई थ्रोज अलार्मिंग डेटा। अब चाइना में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, जो दो पॉइंट मैंने लिखे हैं बैकग्राउंड के लिए लिखे हैं। चाइना में पहला पॉइंट है, चाइना इज फेसिंग प्रॉपर्टी मार्केट बबल लेड इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये आपके नई न्यूज से रिलेटेड नहीं है, बैकग्राउंड है ये। इसके अंदर क्या लिखा है, प्रॉपर्टी मार्केट में वहां पर एक बबल फॉर्मेशन हो गया है। हुआ क्या था, पहले जो आपकी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स ले लिए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिमांड एक्सपेक्टेड थी, और उसके बाद उन्होंने नई नई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना दी, बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज़ बना दी, उसकी वजह से प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया, तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट को पूरा करना था, प्रॉफिट कमाना था, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए। और फिर कोविड आ गया और वहाँ पर एक पॉलिसी चलती है जीरो कोविड पॉलिसी नाम से, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन हो गया इकोनॉमी का, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स की वजह से लोग खरीद ही नहीं पाए और वो डिमांड बहुत ही कम चली गई। तो ये जो आपका पूरा बबल बन गया जिसमें और एक्सेस सप्लाई बढ़ती जा रही थी पैसे के थ्रू या फंडिंग के थ्रू, वो एक एक तरीके से बर्स्ट हो चुका है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे एक गोस्ट सिटीज नाम का कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर पूरे पूरे शहर पड़े हैं बिल्डिंग्स के, जहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं है, एक पूरी बिल्डिंग के अंदर एक या दो फैमिलीज रह रही है, ऐसा वहाँ पर हो चुका है। तो ये जो गोस्ट सिटीज है ये सब कॉन्सेप्ट आया, इससे हमें पता चलता है कि चाइना की पूरी इकोनॉमी में पूरा स्लो डाउन हो चुका है, बुरी तरह इकोनॉमी हो चुकी है, जिसके मैं आपको इंडिकेटर्स कुछ यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में वहाँ पर 20% पर है एज 16 से लेकर 24 तक, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट का एज कम है, तो वहाँ से 16 से 24 तक मेजर करके बताया गया है 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, जो कि हाईएस्ट है हिस्ट्री में अभी तक का। डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो चुका है इकोनॉमी का और पूरे ओवरऑल पब्लिक का। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड सेल क्रैश, प्राइसेस भी क्रैश कर गए हैं प्रॉपर्टी के एंड सेल भी क्रैश कर गई है, जो मैंने आपको भी बताया। प्राइसेस क्रैश करते हैं तो जनरली देखते हैं डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका था कि वो अभी भी रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट्स क्रैश टू, ये भी आपके क्रैश कर चुके हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है अब इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, आज की डेट में जो मैंने नाउ करके लिखा है, अब क्या न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट को कम करने का मेन आपका पर्पस होता है कि मनी सप्लाई को थोड़ा बढ़ाया जा सके इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपके कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ज़्यादा लेंगे और इन टर्न वो लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएंगे और उससे आपका मनी में पूरा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। अब यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने, चाइना गवर्नमेंट को आप CCP भी बोल सकते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो MLF जो होता है मीडियम टर्म लेंडिंग फैसिलिटी, उसका रेट अब 2.75% पर कर दिया है, पहले 2.85% पर था।
तो इतना इसमें डिक्रीज ला दिया, 10 बेसिस पॉइंट का इसको इंक्रीज डिक्रीज बोल सकते हैं, 0.1%, जो कि आपको वैसे कम लग रहा होगा, बट मतलब बिलियंस के अंदर ये फिगर जाती है, परसेंटेज में है, तो बहुत ज़्यादा ये वैल्यू है। रिच गैप रिच पुअर गैप बिगेंस टू शो अप इन स्मार्टफोन सेल्स एज वेल। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका रिच और पुअर का गैप है वो इकोनॉमी में तो आपको सभी को पता है दिखता है कि रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर इफ नॉट दैट लेवल ओनली। तो उसी लेवल पे रहते हैं पुअर लोग या फिर उससे नीचे ही जाते हैं, रिच लोग उससे ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये इन्होंने प्राइमरी मार्केट सॉरी स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लगाया गया है। स्मार्टफोन मार्केट के अंदर दो डिवीजन किए हैं, एक तो आपका अफोर्डेबल सेगमेंट जो होता है जिसके अंदर आपका रियलमी शोमाई ऐसी कंपनीज आती हैं, और बाकी प्रीमियम मार्केट होता है। प्रीमियम मार्केट मतलब एप्पल जैसी कंपनीज, वन प्लस जैसी कंपनीज। अभी मैंने इस आर्टिकल में नहीं पढ़ा, बट ये मैंने एक टेक वीडियो में देखा था कि प्रीमियम मार्केट जो आपका सेगमेंट है स्मार्टफोन का, उसमें जनरली 40,000 से ऊपर वाले हम स्मार्टफोन्स को ले रहे होते हैं, और अफोर्डेबल सेगमेंट्स के अंदर 400 से नीचे ले रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रीमियम मार्केट की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, इससे रिलेटेड हम एक और न्यूज़ देखेंगे। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर सेल्स 83% सर्च करी है। 83% सर्च करने का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाना है। और दूसरी बात, अगर हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ का जो मार्केट शेयर है, मतलब पूरे मार्केट के अंदर कितने लोग अफोर्डेबल स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं, वो 5% से डिक्लाइन कर गया है। हालांकि डिक्लाइन उतना बड़ा नहीं है जितना सर्ज आया है सेल के अंदर, बट फिर भी डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, 5% का डिक्लाइन है। तो अब इनका टोटल जो मार्केट शेयर है अफोर्डेबल सेगमेंट का वो केवल 17% पर है। बट अगर आप एक बात सोचें कि मार्केट शेयर अफोर्डेबल सेगमेंट का कितना होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में 60% के आसपास तक लोग वो हैं जिनकी इनकम मतलब बहुत ही कम है। मैं अभी एग्जैक्ट फिगर्स कुछ लूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मुझे अवेयर नहीं हूँ उसका, तो पर फिर भी यहाँ पर 17% ही सिर्फ आपका अफोर्डेबल सेगमेंट का शेयर है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं, बैंक असेट लोन क्वालिटी इंप्रूव्स। बैड लोन्स मतलब ये क्या होता है, बैंक असेट की क्वालिटी या बैड लोन क्या होता है कि जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया और आप रीपे नहीं कर पा रहे, क्योंकि मान लेते हैं आप इंसॉल्वेंट हो गए या आपके बहुत सारा लायबिलिटीज आ गए, या मान लेते हैं कि आपका घर ही मतलब जो भी आपके एसेट थे वो बर्न हो गए किसी चीज़ किसी, या फिर कोई नेचुरल कलैमिटी आ गई उससे डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसके बाद आप कैसे लोन रीपे करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बैंक वहाँ पर उसको बैड लोन की तरह ट्रीट करते हैं, और बैड लोन के लिए बैंक पहले ही थोड़ा बहुत प्रोविजन भी बना के रखते हैं। जैसे अगर हमने 100 रुपये के लोन दिए बैंक ने, तो 5 रुपये वो निकाल के रखेगा कि नहीं इतने तो वापस नहीं आने वाले हमारे पास। अब यहाँ पर बैड लोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि इकोनॉमी में काफ़ी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता ही है। तो बैड लोन अगर बढ़ रहे होते हैं तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारी चीज़ें खराब चल रही होती हैं, बट बैड लोन्स यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं 185 बेसिस पॉइंट से। 1 बेसिस पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही बताया, इसका मतलब होता है 1/100 ऑफ अ परसेंटेज, तो 185 बेसिस पॉइंट को आप 1.85% भी बोल सकते हैं। तो बैड लोन का अगर हम टोटल परसेंटेज देखें, जो मैंने आपको अभी 5% का एग्जांपल दिया, वो गिर करके 5.7% पर आ गया है। 1.85% का डिक्लाइन है, ये माइनस हुआ है, और अब आपका 5.7% पर आ गया है अगर आप एवरेज बैंक्स का देखें। अब एक रेशो निकाली जाती है, एनपीए रेशो। एनपीए रेशो का मीनिंग होता है ग्रॉस एनपीए, कई जगह पे यहाँ पे नेट एनपीए भी लिया जाता है, वो आप छोड़ सकते हैं, वो नेट एनपीए नेट एनपीए रेशो में यूज होगा। सिर्फ एनपीए रेशो होता है तो ग्रॉस एनपीए यूज होता है। ग्रॉस एनपीए अगर आप कर देते हैं डिवाइड टोटल लोन से, अगर आपने 100 रुपये के लोन दिए, आपको 5 रुपये का एनपीए हो रहा है, तो आपका फिर एनपीए रेशो बनता है 5। तो ये बेसिकली जो होता है एनपीए रेशो, पब्लिक बैंक्स का 7.2% से 9.4% पर आ चुका है, सॉरी 7.2% पे आ चुका है 9.4% से, तो इतना डिक्लाइन हुआ है, और 3.1% आपका आ चुका है 4.2% से अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें। प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स का जो डिफरेंस है वो आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं, मैं कल की वीडियो में इसको टेकअप कर लूँगा। SII में यूज UK पार्टनर प्लांट फॉर नॉन कोविड वैक्स। नॉन कोविड वैक्स का मतलब है, वैक्स का मतलब है वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को बहुत शॉर्ट में करके वैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर SII मतलब होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया के अंदर कोविड का वैक्सीन बनाया, और बहुत सारी वैक्सीन और भी बनाते हैं। तो वो अपने UK पार्टनर के साथ एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं नॉन कोविड रिलेटेड वैक्सीन्स का, तो वहाँ पर आपका फ्लू और मलेरिया वाली वैक्सीन्स बनाएंगे। आपकी कहाँ पे बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका फैसिलिटी है, ऑक्सबॉक्स नियर ऑक्सफोर्ड के अंदर, मतलब UK के अंदर ये फैसिलिटी है, यहाँ पर ही बना रहे होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने पार्टनर प्लांट क्यों लिखा है, पार्टनर क्यों लिखा है, तो क्योंकि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी है इनकी सीरम लाइफ साइंसेज, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जो ऊपर लिखा है उसकी सब्सिडरी है, उसके थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका के अंदर, उनके मतलब उस तरीके से ये पार्टनर बनती है। अगर ऐसा होता है कि कोई होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो एक तरीके से उसका भी वो पार्टनर बन ही जाता है, क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी तो है ही, तो अगर आप परसेंटेज को डिवाइड करते जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छी परसेंटेज SII के पास आ जाएगी। अब KKR, ये KKR का मतलब आपका कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है,
ये एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी मेजर है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है कि आप स्टार्टअप्स के अंदर वगैरह इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर नाम का अपने हॉस्पिटल का ब्रांड सुना ही होगा, मैं इसको ब्रांड ही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी ये कंपनी हो चुकी है मैक्स हेल्थ केयर। इनके अर्ली स्टेज में इन्होंने इन्वेस्ट किया था और अब यहाँ पर 26% ये इनका होल्ड करते हैं, जो कि अभी आज की डेट में आज ट्यूजडे को बेच देंगे पूरा। और ये एक ब्लॉक डील के थ्रू होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये अमेरिकन प्राइवेट मेजर मैक्स हेल्थ केयर इंडियन कंपनी के अंदर अपना पूरा डिसइन्वेस्ट कर देगा। डिसइन्वेस्ट करने का मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच देगा, 26% जो इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये पूरा इसका अमाउंट रहेगा 9416 करोड़ रुपीज। ये सेल होगी ब्लॉक डील के थ्रू। ब्लॉक डील का मतलब होता है अगर आप लार्ज स्टॉक्स या शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। लार्ज का मतलब कितना लार्ज, 5 लाख शेयर्स या फिर 5 करोड़ इन वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, दोनों में से एक क्राइटेरिया मीट होता है तो ब्लॉक डील हो जाती है। अब ब्लॉक डील में एक ऑप्शन देता है NSE या BSE जो भी स्टॉक एक्सचेंज है कि आप चाहें तो उसको एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो के थ्रू कर सकते हैं। सेपरेट ट्रेडिंग विंडो का मतलब है कि जैसे जो आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर ऑर्डर बुक चलती है, ऑर्डर बुक का मतलब होता है जैसे अगर आपने कोई बाय का ऑर्डर डाला तो आपको डायरेक्टली शेयर्स मिल नहीं जाते हैं। ऐसे कोई बैठा नहीं है जो बेच रहा है, हर टाइम बेच रहा है, हर प्राइस पर बेच रहा है। वो आपका एक ऑर्डर लिस्ट हो जाता है और ऑर्डर लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि कोई अगर उस प्राइस पर सेल करने की ऑर्डर डालता है, अलग से ऑर्डर डालेगा, तो वो आपका दोनों ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं। इस तरीके से आपका स्टॉक मार्केट वर्क करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, लार्ज डील के अंदर या ब्लॉक डील के अंदर जो आपका स्टॉक मार्केट होता है वो अलग से ट्रेडिंग विंडो बना देता है। ट्रेडिंग विंडो के अंदर फिर क्या होता है कि आप चाहें तो अपना लिस्ट करा सकते हैं और फिर जो आपकी इस ट्रेडिंग विंडो को एक्सेस है जिन लोगों का, जिसके अंदर कुछ बड़ी कंपनीज आएंगी जिसको NSE परमिशन देगा या BSE परमिशन देगा इस ब्लॉक डील के तहत, उसके लिए वो एक अलग से फीस लेता है। तो वो आपका इस ट्रेडिंग विंडो के अंदर जो भी शेयर्स आ रहे हैं, जो भी ब्लॉक डील आ रही हैं, वो उनको एक्सेस कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बाय साइड से हो चाहे सेल साइड से हो। तो इस तरीके से ब्लॉक डील वर्क करती है। अगर आप ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पूरा ये आउटफ्लो कर देंगे इतने सारे स्टॉक्स का, तो वो आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर जाएगा, जो कि एक रियल ड्रॉप नहीं होगा वैल्यू के अंदर। तो वो एक उसको बचाने के लिए ये चीज़ करी जाती है। SBI hikes MCLR by 20 BPS। MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इसका मतलब है मिनिमम कितना आपका प्राइस या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा SBI। तो मिनिमम से बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि कई सारे लोन्स के ऊपर SBI इस तरीके से इंटरेस्ट लेगा कि MCLR प्लस 5%, MCLR प्लस 10%, इस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा होता है। तो अगर MCLR बढ़ जाता है तो वो आपका टोटल इंटरेस्ट रेट भी हर जगह पर बढ़ जाएगा। तो MCLR मतलब होता है मिनिमम कितना लेना ही पड़ेगा SBI को इंटरेस्ट रेट, दैट इज उन्होंने 20 BPS से बढ़ा दिया है और अब वो मतलब हाँ 20 BPS का मतलब है 0.2%। ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं कॉमेंट में डाल दूंगा और उसको पिन कर दूंगा, तो आप वो देख पाना देख सकते हैं बाद में। बट अभी के लिए 0.2% से उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है। ये मूव इन्होंने किया है जब RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसके तहत RBI जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा होता है। तो ये आपका RBI ने रेपो रेट अपना अगस्त 8 को बढ़ाया था, 50 BPS से बढ़ाया था और अब ये 5.4% पर चला गया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कॉन्सेप्ट होता है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे हमने ऊपर देखा चाइना के केस में कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटाया है ताकि वो इन्फ्लेशन को बढ़ा सके। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की डिमांड बढ़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ेगी तो आपका एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ेगी लोगों के पास ज़्यादा मनी आ जाएगी और उस तरीके से वो ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों की, ज़्यादा गुड्स की, तो वो आपका इन्फ्लेशन में आ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो आप इंटरेस्ट रेट को सिंपली डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करेंगे तो आपका जो आपका लेंडिंग है वो बढ़ जाएगी, मतलब सॉरी इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं तो लोग कम लोन लेंगे सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक से, उस तरीके से लोगों के पास कम पैसा जाएगा, कम पैसा जाएगा तो लोग कम खर्चा करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो आपका प्राइसेस नीचे जाते जाएंगे, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम होते हैं। तो इस तरीके से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। अब इस तरीके से ये पूरा ब्लॉग था, मैंने पूरा यहाँ पर कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म किसी के अंदर भी। अब ये जो ब्लॉग है इसका अगेन लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, यहाँ पर एक नीचे कॉमेंट का सेक्शन है तो आप इसमें जाके कुछ कॉमेंट जरूर करें क्योंकि नया ही ब्लॉग है तो काफ़ी इससे सपोर्ट रहता है। बाकी दैट इज इट, हमारे ब्लॉग पर 2 ब्लॉग्स हो चुके हैं, एक आपका इंट्रोडक्शन एंड 16 सेशन जो आपका 16 अगस्त का सेशन है। So that is it and thank you for watching.